डाकिया। ये प्रसंग है, ये कहानी एक भक्त की प्रेमियों। थोड़ा सा दान चाहूंगा शांति का, सिर्फ 5-7 मिनट मुझे दे दीजिए। हाथ जोड़कर विनती मेरी आप सभी से, एक भक्त बहुत दुखी बहुत परेशान, सारी दुनिया से हारा हुआ, व्यापार में घाटा, जहां हाथ डाले वहीं मिट्टी। जब जीवन से परेशान हो गया तो सोचा कि वो मरने के सिवा कोई और चारा नहीं, और जब मरने की बात सोची तो अचानक आपकी तरह किसी श्याम प्रेमी से टकरा गया। शंकर भैया आ गए हैं दरबार में, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। क्या बात, आइए। अचानक आपकी तरह किसी श्याम प्रेमी से टकराया, तो श्याम प्रेमी ने जब उसका हाल देखा और जब उसके मुंह से सुना कि अब मरना ही आखिरी रास्ता है, तो श्याम प्रेमी ने कहा, यार मेरा एक कहना मानेगा, मेरा एक कहना मानेगा। मरने की तो तूने सोच ली, जीवन से हार गया, मेरे कहने से सिर्फ एक बार एक काम कर ले। राजस्थान में एक गांव है खाटू, और वहां हमारा श्याम बाबा रहता है, और उसे हम सारे श्याम प्रेमी कहते हैं, हारे का सहारा। बोलिए, हारे के सहारे की जय। तू सारी दुनिया से हार गया, तेरा काम कहीं नहीं बनाना, मेरे कहने से एक बार खाटू चला जा, हो सकता है शायद तेरा काम बन जाए। प्रेमी ने कहा, बोले जाऊं कहां से, मेरे पास तो भाई टिकट के पैसे भी नहीं। श्याम प्रेमी ने कहा, बोले 60 रुपए मुझसे ले और एक बार जा करा। वो प्रेमी गया, प्लीज पहुंचा, और जैसे ही दरबार में जाकर खड़ा हुआ, मेरे ठाकुर से नजरें मिली, आंखों से अपने आप आंसू बहने शुरू हो गए। रोते रोते उसे प्रेमी ने कहा, बोले बाबा देख, जीवन में पहली बार तेरे दरबार में आया हूं, और आज भी नहीं आता, पर तेरे एक प्रेमी ने दावा किया है तेरे लिए, बोले तुझे कहीं नहीं मिला ना, राजस्थान में एक गांव है खाटू, वहां मेरा बाबा रहता है, वो तुझे इनकार नहीं करेगा, वहां तुझे हर चीज मिलेगी, जा। मैं तो आ गया उसके कहने से, और ये टिकट के पैसे भी उसी ने दिए। मैं तो आ गया, जा रहा हूं, मांगूंगा नहीं, इसलिए नहीं मांगूंगा कि तेरा नाम है लख दातार, तो बिना मांगे देता है, अगर दे सकता है, तुझे पता है मुझे क्या चाहिए, दे देना, मिला तो अगली बार फिर आऊंगा तेरी चौखट पर नाक रगड़ने और सर झुकाने। जय हो। और नहीं मिला तो तेरा मेरा सलाम आज ही है, और सिर्फ सलाम नहीं है, तेरे उस प्रेमी को जाकर भी ताना मारूंगा। बोले तुझे भी देख लिया और तेरे श्याम को भी देख लिया, जा। कहते हैं इसकी एक क्वालिटी है मेरे ठाकुर की, कि अपना मान टले टले जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। बाबा ने कहा, बोले यार धर्म संकट में डाल दिया, बात मुझ तक होती तो शायद टाल देता, अब तो बात आ गई मेरे लाखों भक्तों की जिन्हें भरोसा है मुझ पर। बाबा ने कहा, बोले बेटा अब तो तेरी तकदीर बनानी पड़ेगी। देखते देखते उस शख्स का जीवन बदला, और जो शख्स आसमान से मिट्टी में मिला था, वो खाटू की दहलीज पर जाते ही फिर से मिट्टी से फलक पर आ गया, वापस उसी तरह सेठ बनकर जीवन खुशहाल। जब कुछ बन गया तो भूला नहीं बाबा को, हर 11 पर खाटू जाना। लेकिन कहते हैं कि ये अपने भक्तों की परीक्षा भी लेता है, ये परीक्षा भी लेता है, लेता है सिर्फ सिलेक्टेड भक्तों की, परीक्षा देने लायक भी इंसान होना चाहिए, लेकिन ये लेता है। बाबा ने सोचा, यार हर 11 पर आता है, इतना मानता है, क्यों ना एक बार इसकी परीक्षा लेकर देखूं कि ये मुझे कितना मानता है और दुनिया को कितना मानता है। एक रात दशमी की शाम, अगले दिन 11 प्रेमी को खाटू जाना। जैसे ही रात को अपनी बैलेंस शीट मिला रहा था, अचानक फोन आया, बोले सेठ जी। बोले हाँ, बोल रहा हूं।
बोले सेठ जी वो जो आपका माल आने वाला था ना 2 करोड़ का 2 दिन बाद, वो डिलीवरी 2 दिन बाद नहीं, वो डिलीवरी कल होने वाली है। और वो डिलीवरी कोई और नहीं, आप खुद होंगे तो आपको मिलेगी, वरना वो सौदा किसी और के पास चला जाएगा। कल कहीं मत जाना। जय हो। सेठ ने फोन रखा पसीने पसीने, क्योंकि अगले दिन ग्यारस बाबा के दरबार में जाना। सर लटक कर नीचे, और धीरे धीरे जैसे ही सर उठाया तो गद्दी के बिल्कुल सामने मेरे ठाकुर की तस्वीर लगाई हुई थी उसने। जैसे ही नजर तस्वीर पर पड़ी तो मेरे ठाकुर उस तस्वीर में धीरे से मुस्कुरा रहा, तस्वीर में मुस्कुरा रहा मेरा बाबा कि देखूं अब क्या करता है। प्रेमी ने बहुत सोचा और घंटे डेढ़ घंटे बाद खड़ा होकर तस्वीर के पास आया। तस्वीर के पास आकर कहा, बोले बाबा बाबा एक ही ग्यारस की तो बात है, एक ही ग्यारस की तो बात है, परसों आ जाऊंगा, लेकिन अगर कल आया तो ये 2 करोड़ किसी और के पास पहुंच जाएगा, बहुत भारी घाटा हो जाएगा मालिक, तू तो मेरा अपना है, परसों आ जाऊंगा। बाबा अपने सिंहासन पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा, बोले बेटा ठीक है। परसों भी आया, ग्यारस हुई, किसी कारण से सौदा ग्यारस को नहीं हुआ। बोले सेठ जी अब कल आएगा। बारस भी गई, धीरे धीरे तेरस गई, और देखते देखते पूरा महीना गया, नहीं गया। और देखते देखते इतना व्यस्त कर दिया मेरे ठाकुर ने उसे कि जिसकी वजह से सब कुछ मिला, धीरे धीरे उस वजह को ही भूल गया। एक बात बताऊं आपको, यह मैंने किसी से सुनी थी बात, किसी बड़े से, कि जिस इंसान को ये धन दौलत बड़ी जल्दी देता है ना, कहते हैं इसके दरबार में अब जाओ मांगो बहुत जल्दी मिलता है, गाड़ी 1 मांगो 10 देता है, घर 1 मांगो 4 मिलते हैं, बिजनेस 1 मांगो 10 मिलते हैं, बहुत जल्दी देता है। उसने कहा जानते हो इसका कारण क्या है, ये क्यों देता है? उसका सिर्फ एक कारण है, ये भी चाहता है कि ये चीजें तू जितनी मांग सकता है मुझसे ले ले, मेरे पास इतनी है कि मैं तुझे बिना मांगे इतनी दे दूंगा, तुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। लेकिन एक चीज से ये भी डरता है कि ये कहीं मुझसे मेरी सेवा ना मांग ले। जय हो। क्योंकि ये अपनी सेवा तकदीर वालों को सौंपता है। और धन दौलत गाड़ी बंगले के जाल में ऐसा फंसा देता है इंसान को कि इंसान सारा जिंदगी वही मांगता रहता है, मेरे ठाकुर को ठाकुर से कभी नहीं मांगता कि बाबा अब दौलत नहीं, अब तू आ जा, कोई नहीं मांगता। और यही तो चाहता है, ये यही चाहता है, बोले सब ले ले मुझे मत मांगना। कन्हैया रुलाते हो जी भर रुलाना, मगर आंसुओं में नजर तुम ही आना। जय हो। पर आंसू आने भी तो चाहिए, ये आंसू आने ही नहीं देता, नजर कहां से आएगा। नहीं गया प्रेमी 6 महीने साल, जब व्यापार में इतना व्यस्त हो गया कि बाबा को भूल गया, तो बाबा ने मन ही मन विचार किया, बोले अब एक बारी से इसकी औकात वापस भी दिखा दो, ये है क्या। देखते देखते वो हुआ जो पहले हुआ था, जो शख्स से जमीन से आसमान पर आया वो आसमान से फिर से जमीन पर आया। गलती का एहसास हुआ, लगा कि यार खाटू नहीं गया, लेकिन अब जब ठाकुर की याद आई तो जेब में इतना पैसा भी नहीं कि खाटू जा सके, बहुत परेशान रोता फिरता पूरे गांव में। अचानक उसकी नजर एक दिन डाकिए पर पड़ गई, उसके गांव में आता, वो दौड़कर उस डाकिए के पास गया और डाकिए से जाकर कहा कि ए डाकिए तू तो सबकी चिट्ठियां कहीं ना कहीं पहुंचाता है, एक काम कर, राजस्थान में एक गांव है खाटू और वहां मेरा श्याम रहता है और वो मुझसे किसी बात को लेकर बहुत नाराज हो गया है, यार एक काम कर मेरी चिट्ठी अगर हो सके तो मेरे श्याम तक पहुंचा दे, हो सकता है चिट्ठी पढ़कर शायद उसे मुझ पर दया आ जाए और वो मुझे अपने दरबार में बुला ले। जय हो। इतना सा काम मेरा कर दे, लेकिन
मेरे पास तुझे देने के लिए इस वक्त एक रुपया भी नहीं है। डाकिये को दया आ गई और डाकिये ने कहा कि चल बता क्या संदेश है, क्या कह रहा है प्रेमी डाकिये से और क्या हुआ उस डाकिये के साथ जब वो खाटू पहुंचा, और अंत में मेरे बाबा ने क्या कहा अपने उस प्रेमी से और अपने सारे प्रेमियों से। ये भजन बड़े प्रेम से सुनिएगा, सिर्फ चंद पंक्तियां। भैया आ गए हैं दरबार में, बाबा को रिझाएंगे मनाएंगे। आइए सिर्फ ये चंद पंक्तियां, क्या कह रहा है प्रेमी उस डाकिये से, क्या है डाकिये। डाकिया जा रे शाम ने संदेशों दीजे, शाम ने जाए तू कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे हो। आज कौन कौन भेजेगा अपनी एप्लीकेशन, जरा हाथ उठाकर बता दो एक बार। दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे, एक भी हाथ नीचा ना हो। आप जाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, पर 3 तारीख को मैं वहीं मिलूंगा भैया, हो सकता है आपकी एप्लीकेशन मेरी तरफ से लग जाए। दोनों हाथ खोलना और झूम कर कहना है क्या, डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन ने तरसे हो। डाकिया जा रे शाम प्यारे की डाकिये ने चिट्ठी ली, उलट पलट कर देखा और चिट्ठी को वापस उस प्रेमी को देकर कहा, बोले भाई देख मैं तेरा बाबा तो हूं नहीं जो अंतर्यामी हो, मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं चिट्ठी पहुंचा जरूर सकता हूं लेकिन उसके भी एक कारण है, मैं चिट्ठी तभी पहुंचा सकता हूं जब उस चिट्ठी पर प्रॉपर एड्रेस हो। चिट्ठी तो दे दी पर पहुंचाऊं कहां, तेरा बाबा रहता कहां है ये तो बता, या तो एड्रेस दे और या फिर उस जगह की कोई ऐसी निशानी बता जिसे देखकर मैं समझ जाऊं कि वहां तेरा श्याम रहता है। जय हो। क्या कहा डाकिये ने ताली बजाकर, कुण से गांव थारो श्याम बसो है, इतरो माने बता दे ओ भगतारे, कुण से गांव थारो श्याम बसो है, इतरो माने बता दे, घर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे, कहिया जानूंगा पीछाण मैं हूं छोरो अनजान, कहिया जानूंगा पीछाण मैं हूं छोरो अनजान, कहिया श्याम सुहोसी मिलन हो, डाकिया जा हाथ उठाकर बिल्कुल सीधे प्रेम से ताली बजाकर जो खाटू जाना चाहता है। 1 2 3 4 हो डाकिये ने जब पोते के बारे में पूछा, निशानी पूछी, श्याम प्रेमी ने कहा कि मेरे ठाकुर की निशानी क्या पूछता है, एक बार खाटू पहुंच जाना उसके बाद पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पहुंच जाएगा बाबा के दरबार तक।
क्या होता है खाटू में, ताली बजाओ ना खाटू नगरी के लिए। खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे डाकिया रे, खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। और ड्योड़ी पर हनुमान विराजे, ड्योड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुरावे। ड्योड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुरावे। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बांके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। सज धज बैठो है शाम सजन हो, डाकिया जा रे। अब ताली बजानी पड़ेगी मेरी माता बहने, ताली बजा कर अंतिम पंक्तियां हैं सुनिएगा। डाकिया पहुंचा खाटू, जैसे ही मंदिर के बाहर पहुंचा चप्पल खोली और जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर सामने पहुंचा मेरे ठाकुर के, आलम देखा पागल हो गया। पहली बार गया था और कहते हैं जो पहली बार इसके दरबार में जाता है उससे बड़ी जल्दी पकड़ता है ये। ताली बजाओ बजा, जो पहली बार जाता है ना उसे बहुत जल्दी पकड़ता है, उसे नहीं छोड़ता। डाकिया पहली बार गया और जैसे ही डाकिया ठाकुर के सामने पहुंचा, नजरें मिली मेरे ठाकुर से और जैसे ही नजरें मिली बस पागल हो गया, सिर्फ मेरे बाबा को देख रहा खड़ा खड़ा, आंसू बह रहे और देख रहा, आंसू बह रहे हैं देखे जा रहा है। मेरा ठाकुर अपने सिंहासन पर बैठा, बाबा ने कहा यार रोए जा रहा है, जो कहने आया है वो भी नहीं कह रहा। मेरा बाबा अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, धीरे धीरे चलकर डाकिये के पास आया, डाकिये के कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने गले से लगाया और गले से लगाकर कहा, बोले पहली बार आया है ना तू मेरे दरबार में, पहली बार। डाकिया ने कहा, बोले बाबा हाँ। बाबा ने कहा, मांग क्या मांगता है, ताली बजानी पड़ेगी, ताली बजा, मांग क्या मांगता है। डाकिया ने कहा, बोले बाबा मांग तो लूं पर डर लगता है। बाबा ने कहा, क्यों। डाकिया ने चिट्ठी निकाली, बोले आपके जिस प्रेमी ने ये चिट्ठी भेजी है ना उसे भी बहुत कुछ दिया था आपने, लेकिन वो बेचारा आज भिखारी होकर सड़कों पर घूम रहा है। मांग तो लूं पर क्या भरोसा, साल दो साल बाद वापस ले लोगे फिर क्या करूंगा, ताली बजानी पड़ेगी। बोले बाबा मांग तो लूं वापस ले लेगा फिर क्या करूंगा। बाबा ने कहा, बोले मेरा नाम दानी है, मैं एक बार देने के बाद लेता नहीं, और अगर लेता भी हूं तो सामने वाले का बुरा करने के लिए नहीं लेता, कुछ सोचकर ही लेता हूं। और तू जिस प्रेमी की चिट्ठी लाया है ना, जिसकी चिट्ठी लाया है मैं जानता हूं वो कौन है, और तेरे यहां से जाने के बाद जितना तुझे मिलेगा ना उससे 10 गुना ज्यादा मेरे भंडार में उसी के लिए पड़ा हुआ है। जय हो, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बाबा ने कहा, उससे छीना नहीं मैंने, छीना नहीं, सिर्फ परीक्षा ली है, सिर्फ परीक्षा। और तू क्या सोचता है मैंने उसे छोड़ दिया ना, मैं जिसे एक बार पकड़ता हूं छोड़ता नहीं। हां
परीक्षा जरूर लेता हूँ और वो तो लेता रहूंगा भाई। ताली बजाओ। क्या कहा? अब मेरा बाबा बोल रहा है, सुनना, अब बाबा बोल रहा है, बोले चिट्ठी तो दे दे मुझे, और जाकर उस प्रेमी से कहना जिसने ये चिट्ठी भेजी है। क्या कहना? कह दीजे तू जाए भगत ने तेरो बुलावो आसी ओ भगतारे। कह दीजे तू जाए भगत ने तेरो बुलावो आसी। सबकी आस पुराऊं हूं मैं, तू कैया रह जासी। सबकी आस पुराऊं हूं मैं, तू कैया रह जासी। तेरी सारी जानू बात पूरी कर सु मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी कर सु मन की आस। पर बढ़ा मेरे काने कदम। कितनी बड़ी बात कह दी भगवान ने, ताली बजानी पड़ेगी। तेरी पूरी कर सू आस, जानू तेरे मन की बात। पर बढ़ा मारे कानी कदम। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम दोष देते हैं भगवान नहीं आता। भगवान आज भी आता है, पर कहते हैं कमी इसके आने में नहीं, कमी बुलाने, कमी बुलाने में है। वरना अगर इसके आने में कमी होती ना, तो एक 9 साल की बच्ची कर्मा इसे मूर्ति से बाहर नहीं निकाल सकती थी। धन्ना जाट के पूरी रात खेतों की रखवाली नहीं करता ये, उस मूर्ति में से निकलकर अगर इसके आने में देरी होती, ताली बजानी पड़ेगी। ये आज भी आता है, आज भी आता है, पर सच्चाई ये है कि आज वैसे बुलाने वाले नहीं है। एक बार बुलाकर देखो, ये तो खुद कहता है। तेरी सारी जानू बात पूरी कर सु मन की आस। तेरी सारी जानू बात पूरी कर सु मन की आस। पर बढ़ा मारे काने कदम हो ताकि आ जा रे हो। सामने संदेशो दीजे, सामने जाए तो कह दीजे, भगत थर दर्शन दे तरसे हो ताकि आ जाने। वापस आया डाकिया, और जैसे ही उस प्रेमी ने डाकिया को गांव में आते हुए देखा, नंगे पांव दौड़ता हुआ गया, जाकर कहा, बोले मेरे बाबा से मिला। डाकिया ने कहा मिला। प्रेमी ने कहा क्या कहा मेरे बाबा ने, बहुत गुस्से में होगा यार मेरे लिए। प्रेमी ने कहा, बोले यार बहुत देखे पर तेरे सेठ जैसा सेठ नहीं देखा। भले तूने गलतियां कर दी, तू भूल गया, लेकिन उसे तू आज भी याद है। जय हो। प्रेमी ने कहा कैसे? बोले जाकर सिर्फ तेरी चिट्ठी निकाली थी, मेरे हाथ में तेरी चिट्ठी देखते ही तेरा सारा जन्म कुंडली मेरे ठाकुर ने खोल कर मेरे सामने रख दी। तेरे ठाकुर से दयालु कोई और नहीं हो सकता, और ये चिट्ठी पकड़। प्रेमी ने कहा, बोले क्या हुआ? बाबा ने चिट्ठी देखी भी नहीं, मेरी चिट्ठी पढ़ी भी नहीं। डाकिया ने कहा, रे बोले पागल, ये तेरी चिट्ठी नहीं, ये तेरे ठाकुर की चिट्ठी है जो उसने लिखकर तेरे लिए भेजी है। बोल श्याम प्यारे की। और ये चिट्ठी नहीं, ये बुलावा है ठाकुर के दरबार का तेरे लिए, जा और मौज कर। जैसे ही चिट्ठी मिली, उस प्रेमी ने चिट्ठी हाथ में ली और पूरे गांव में पागलों की तरह घूमता रहा और रो रो कर क्या कहा? चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। तो बड़े दिनों के बाद मेरे शाम धनी को आ, बड़े दिनों के बाद मेरे शाम धनी को आ, भगत की याद सता चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है।
चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है खाटू से चिट्ठी आई है। भजन अच्छा लगा, एक बार हाथ उठाकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, दोनों हाथ उठाकर सिर्फ ये दो लाइनें गा दीजिए मेरे साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा